नमस्कार आज हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहते हैं देवेंद्र जो पचपन साल के हैं डायबिटिक हैं उनकी एक अजीब सी एक कंप्लेन जब वो सोने जाते हैं तो पैरों में एक अजीब सा सेंसेशन होता है एक अजीब सी फीलिंग आती है दर्द तो नहीं है लेकिन एक अजीब सी फीलिंग होती है कि पैर को जल्दी जल्दी हम चलाएं। उस फीलिंग का जो अनप्लेजेंट फीलिंग है वो कम हो जाती है या खड़े हो जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं ये पिछले कई साल से उनको ये इस तरह की परेशानी है जिसकी वजह से या तो उनको नींद नहीं आती है अगर वो किसी तरह सो भी जाते हैं तो घंटे या दो घंटे बाद उनके पैरों में एक अजीब से, से सेंसेशन आता है उनकी नींद टूट जाती है उठ के बैठ जाते हैं और सवेरे के समय चूँकि नींद पूरी नहीं होती है सारे दिन थकान बनी रहती है बैठे बैठे उनको नींद आने लग जाती है इस तरह उनकी कार्य करने की एफिशेंसी कम हो जाती है इसका क्या कारण है बहुत से टेस्ट कराए गए पर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं जी हाँ इस बीमारी का नाम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है ये वो बीमारी है जो है तो न्यूरोलॉजिकल जो एक नसों के संबंधित नर्व से संबंधित बीमारी है लेकिन इसको एक स्लीप एपनिया की कैटेगरी में आती है क्योंकि ये सोते समय ये बीमारी होती है जब आप रेस्ट में होते हैं लेट इवनिंग में होते हैं जब बहुत समय तक बैठे रहते हैं तब इस तरह के पैरों में सेंसेशन होते हैं देखा गया है इसके परसेंटेज काफ़ी होती है पाँच से दस परसेंट पॉपुलेशन में होती है लेकिन यूरोपियंस में ज़्यादा होती है बाहर के देशों में इसकी ज़्यादा प्रवृत्ति होती है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस पर इधर कुछ समय से इंडियंस में भी ये परेशानियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं इसका मुख्य कारण एक तो अवंशिक होता है हेरिट्री होता है घर में कई लोगों को इस तरह की बीमारी होती है फादर को है ग्रैंडफादर को है भाइयों में है या घर में मदर साइड में किसी को है तो ये हेरिट्री होती है बिना किसी कारण से सोते समय पैरों में इस तरह के सेंसेशन या काफी देर बैठने पर इस तरह के सेंसेशंस होते हैं कुछ और बीमारियों के साथ इसका जोड़ हो जाता है लाइक अगर पेशेंट डायबिटिक है उसमें इस तरह की परेशानी है काफ़ी समय से उसको आयरन डेफिशिएंसी है उसको एनीमिया है तब इस तरह से परेशानी होती है किडनी के पेशेंट्स में करीब 40 से 50 परसेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है जो डायलिसिस पर हैं उनको इस तरह के पैरों में एक अजीब सा सेंसेशन और बीमारी होती है जी हाँ प्रेगनेंसी में भी इस तरह के प्रेगनेंसी के पीरियड में भी कुछ लोगों को इस तरह से होता है कुछ लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है उनको भी इस तरह से परेशानी होती है लेकिन ये समझना एक बहुत ज़रूरी है कि ये मस्कुलर क्रैम्प्स नहीं है जिन्हें कहते हैं कि पैरों में मसल्स में एक अजीब सी अकड़न हो जाती है ये वो नहीं है कुछ लोगों को वेरिकोज वेन होती है जिनकी वेसल्स काफ़ी टॉर्चर्स हो जाती हैं ब्लड में पुलिंग हो जाती है उसकी तरह उसमें जो पैरों में दर्द होता है वो ये नहीं है इसका मुख्य कारण आयरन डिफिशेंसी होता है कहते हैं कि एक ब्रेन में कंडक्शन होता है एक एंजाइम होता है एक हार्मोन होता है जिसके डोपामिन कहते हैं जो नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है उसकी मेटाबॉलिज्म में उसको बनने में और उसकी लेवल में आयरन की एक विशेष रोल होता है और चूँकि ऑक्सीज आयरन की डिफिशेंसी होती है इसलिए उसकी मेटाबॉलिज्म ब्रेन में कम हो जाती है जिससे ये परेशानी होती है अगर उसकी हीमोग्लोबिन नॉर्मल होती है तब भी हम लोगों को अगर आयरन प्रोफाइल या और डीप में आयरन की स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि उसकी लेवल बॉडी में कम मिलती है कुछ लोगों ऐसे भी होते हैं जिनकी आयरन प्रोफाइल तो नॉर्मल होती है लेकिन ब्रेन के अंदर आयरन कंसनट्रेशन कम हो जाता है और आयरन सप्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है लेकिन किसी भी तरह हमारे पास कोई इस तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि ब्रेन में हम ये पता कर सकें कि आयरन लेवल क्या है इसका निवारण बहुत आसान होता है जो हम लोग आगे चल कर के ट्रीटमेंट के समय देखेंगे ज़्यादातर इस पेशेंट में जो सिम्टम्स होते हैं जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उन लोगों को सोते समय यह परेशानी होती है अगर वो बहुत देर तक कंप्यूटर में बैठे हैं ऑफिस में बैठे हैं थोड़ी देर बाद उनको पैरों में एक अजीब सा सेंसेशन होता है ऐसा अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी देर में उनके पैर अपने आप हिलने लग जाते हैं सोते समय पैर हिलते हैं उसको पीरियोटिक लेग मूवमेंट कहते हैं ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से एसोसिएटेड हो सकता है और इसी तरह कुछ आप आ, किसी प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं काफ़ी समय लंबे समय की फ़्लाइट है गाड़ी से आप जा रहे हैं आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर रहे हैं तब आपके पैरों में इस तरह के सेंसेशन होते हैं मन होता है गाड़ी रोक करके आप बाहर निकल आएँ थोड़ी देर पैर चला लें तो आपको आराम मिल जाता है ज़्यादातर ये परेशानियाँ एक उम्र के बाद में होती हैं ओल्ड एज में या लेट आ, फिफ्टीज़ में आकर के परेशानी होती है बच्चों में भी होती है ये परेशानी बट बच्चे ज़्यादातर बहुत मूवमेंट करते रहते हैं इसलिए उनको मालूम नहीं पड़ता है कुछ लोग जिनका फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है उसमें ये परेशानी होती है या उनको भी होती है जो ओवर यूज़ करते हैं कुछ ज़रूरत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं कुछ ज़रूरत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती है उनको शाम को आकर के एग्जॉशन होता है और इस तरह की फीलिंग आ जाती है जी हाँ इसकी डायग्नोसिस मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं रहता है अक्सर आपने देखा होगा लोगों के पैर मूव कर रहे हैं पैरों में इस तरह के सेंसेशन होते हैं डॉक्टर्स के पास में वो जाते नहीं हैं या डॉक्टर्स के पास गए तभी उसका निवारण नहीं मारू पड़ जाता है तो ये अक्सर वो बीमारियाँ जो हमने अभी आपसे शेयर करी है उनके साथ भी ये बीमारी एसोशिएट हो सकती है उसका इलाज कराया जा सकता है और इससे हम लोग बच सकते हैं धन्यवाद